कंपटीशन में क्या हो रहा होता है इसका एक डिसीशन होगा, मतलब पहले इंडिकेटर्स का डिसीशन होगा, इंडिकेटर्स से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसका हम लोग को ध्यान रखना है। फिर एसिड बेस का जब टाइट्रेशन होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, इसी चीज का थोड़ा सा डिसीशन होगा। फिर इंडिकेटर्स का टाइट्रेशन से क्या रिलेशन है, जैसे कल एक सवाल पूछा था एग्जैक्टली उसका आंसर गलत दे रखा है मेरे हिसाब से, तो गलत है आंसर मेंस की तरफ से, बट एक बार डिस्कशन कर लेंगे इस चीज का ज्यादा अच्छे सर से। एलन ने भी गलत दिया है सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मतलब फिनोफ्थलीन बहुत ऑब्वियस आंसर है, हो सकता है सवाल में कहीं एक बार देख लेना सवाल के ऑप्शंस में कहीं कुछ इधर उधर चेंजेस ना हो। चलो सो बेसिकली इंडिकेटर्स, एक तो अपने को मालूम है कि इंडिकेटर्स का बेसिक मतलब हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। हम लोगों को मतलब है एसिड बेस इंडिकेटर से, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड को या बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, कलर चेंज करके, या फिर मान लो स्मेल की बात कर सकते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। सो अलग अलग टाइप के पार्ट्स हो सकते हैं जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, बट हम लोगों को मोस्टली इंडिकेटर्स में कुछ पार्टिकुलर इंडिकेटर्स हैं, जैसे एक तो फिनोफ्थलीन हो गया। एक तो फिनोफ्थलीन का आप लोगों का स्ट्रक्चर याद रखना है, उसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बेंजीन रिंग, मतलब बेसिकली थैलिक एसिड जो सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड का पार्ट होता है, उस थैलिक एनहाइड्राइड के पार्ट में किसी भी एक ऑक्सीजन वाले पार्ट को जो हम लोग नीचे से कंसिडर कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है इसको कंसिडर कर लो, इसके सामने दो फिनॉल का यूनिट होगा बेसिकली, और उन दोनों फिनॉल के यूनिट में OH के पारा पोजीशन से जो H है ये हटेगा वाटर के फॉर्मेट में। सो एक तो थैलिक एनहाइड्राइड ले लो, थैलिक एनहाइड्राइड वाले पार्ट के साथ दो फिनॉल का यूनिट ले लो, और दो फिनॉल के यूनिट के OH के पारा पोजीशन पे जो H ग्रुप दे रखा है उसको हटा लो। सो अगर OH सॉरी मतलब H2O रिमूव करेंगे यहाँ से पूरे पार्ट से, इसका मतलब हम लोगों के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से दो बॉन्ड मिस होगा, अगर दो बॉन्ड मिस होगा तो इसको दो बॉन्ड चाहिए, इस ग्रुप को आपस में अटैच कर सकते हैं। सो दिस इज फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग HPH से डिनोट करते हैं। HPH से डिनोट करने के पीछे एक रीजन भी है कि हम लोग का ये जो H वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग का जो इंडिकेटर है दैट इज एन एसिडिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर का मतलब वाटर में डालने पे pH वाला पार्ट लेस देन 7 होगा। इंडिकेटर्स खुद भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, मोस्टली इंडिकेटर्स एसिडिक बेसिक ही होते हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर हम लोग कंसिडर नहीं करते ज्यादा, बट स्टिल वैसे इंडिकेटर्स जो वाटर में डालने पे pH 7 से लोअर बनाएगा दो आर कॉल्ड एसिडिक इंडिकेटर, और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है भी, आराम से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एसिडिक इंडिकेटर है यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान रखना HPH। सो बेसिकली जब भी कभी कोई एसिडिक इंडिकेटर होगा ये डिसोसिएट करके हमेशा H प्लस और इंडिकेटर का जो कंजुगेट बेस है उसका माइनस चार्ज बनाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टू हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग के बफर में आता था वैसा ही इसका pH भी लिखा जाता है। pH इज इक्वल टू जो हम लोग के वाला पार्ट लिखते हैं वहां से pK आ जाएगा वैल्यू, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड हुआ करता था। सो बेसिकली लॉग ऑफ इंडिकेटर माइनस डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HIN, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा जैसे बफर में होता था, एग्जैक्टली वैसे टाइप का पार्ट है। पहले हम लोग के का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एच प्लस इंटू आई एन माइनस डिवाइडेड बाई एच आई एन, और वहां से अगर एच प्लस वाला पार्ट निकालेंगे सो एच प्लस इज इक्वल टू के इंटू एच आई एन बाई आई एन माइनस, तो वहां से जब pH निकालेंगे तो हम लोग का ऐसा फॉर्मूला आएगा, सेम चीज हम लोग के इंडिकेटर में हुआ करता था। सो pH ऑफ इंडिकेटर हम लोग निकाल सकते हैं, और ऑल्दो इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है हम लोग को pH वाले पार्ट से, हम लोग को इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से मतलब है। सिमिलरली हम लोग बेसिक पी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जैसे HPH वाला पार्ट है वैसे हम लोग बेसिक इंडिकेटर वाले पार्ट में BOH टाइप का या PHOH टाइप का कुछ पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इंडिकेटर वाले पार्ट के साथ OH माइनस जो कि OH माइनस दे सकता है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, फिनॉल रेड हो गया, ऑल्दो फिनॉल रेड अपने सिलेबस में नहीं है, मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड केवल यही अपने सिलेबस का पार्ट है जो मालूम रखना होता है। इससे एसोसिएटेड दो तीन चार पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ध्यान रखना होगा। नॉर्मली एक तो इंडिकेटर्स कलर चेंज करता है, हर एक इंडिकेटर में दो कलर होगा, एक कलर जो कोई भी मीडियम में शो नहीं कर रहा और दूसरा एक पार्टिकुलर मीडियम में, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, उसमें एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा। इसको इस तरीके से समझ लो ज्यादा बेटर है, कोई भी इंडिकेटर अपने आयोनाइज्ड पार्ट में मतलब उसका जो आयनिक पार्ट होगा उसमें ज्यादा डीप कलर शो करेगा।
अब डीप कलर का मतलब बहुत रिलेटिव है, जैसे कलरलेस हो गया, सो कलरलेस में तो कोई कलर ही नहीं है, और दूसरा पिंक हो गया, सो ऑब्वियस सी बात है पिंक वाला पार्ट डीप कलर है। या फिर अगर हम लोग येलो की बात करते हैं और ऑरेंज की बात करते हैं, सो ऑरेंज कलर डीप कलर हो जाएगा। अगर हम लोग येलो और रेड की बात करते हैं, सो इस केस में जो रेड वाला पार्ट ही डीप कलर हो जाएगा। सो नॉर्मली जो हम लोगों का आयनिक फॉर्म होगा, चाहे वो एसिडिक इंडिकेटर हो चाहे बेसिक इंडिकेटर हो, आयनिक फॉर्म में ज्यादा डीप कलर निकल के आता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मली हम लोग को कलर में कंफ्यूजन होता है कि व्हाइट मतलब कलरलेस वाला पार्ट एसिड में था कि पिंक कलर एसिड में था, वो कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो उसको इस तरीके से याद रखना चाहिए। अगर एसिडिक इंडिकेटर है, सो एसिडिक इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं करेगा, लेकिन जब बेसिक मीडियम में डालेंगे इस चीज को तो डिसोसिएट करके आयन माइनस बनाएगा। आयन माइनस मतलब डार्कर कलर। सो पिंक कलर इंडिकेटर वाले पार्ट के आयन माइनस से एसोसिएटेड है। आयन माइनस तभी बनेगा जब बेसिक मीडियम है, आयन माइनस कभी भी एसिडिक मीडियम में नहीं बनेगा क्योंकि एसिडिक इंडिकेटर है, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज की बात करें, सेकेंड वाले केस को हम लोग मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, सो मिथाइल ऑरेंज वाले पार्ट में दो ऑप्शन है, येलो कलर बन सकता है और ऑरेंज कलर बन सकता है। सो मिथाइल ऑरेंज वाले पार्ट को MeOH से डिनोट करते हैं नॉर्मली, बेसिकली बेसिक इंडिकेटर है। अगर बेसिक इंडिकेटर है सो बेस वाला पार्ट बेसिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, लेकिन बेस वाला पार्ट एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट करेगा। अगर एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट करेगा इसका मतलब मिथाइल का कटायन का फॉर्मेशन होगा, और मिथाइल कटायन वाला पार्ट ज्यादा डार्कर कलर रखेगा। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर आ जाएगा और बेसिक मीडियम में येलो कलर जैसा है एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही छोड़ सकते हैं। सेम चीज हम लोग के मिथाइल रेड के ऊपर डाल सकते हैं, मिथाइल रेड वाले पार्ट में येलो एंड रेड कलर कंसिडर कर सकते हैं। अगर एसिडिक मीडियम होगा सो जो बेसिक इंडिकेटर है उसका डिसोसिएशन होगा, रेड कलर का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर बेसिक मीडियम डालेंगे तो डिसोसिएशन नहीं होगा, येलो कलर का फॉर्मेशन होगा। सो एक ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखना है, कौन कौन से इंडिकेटर कौन कौन से कलर शो करते हैं, और ये तीन ही अपने को इंडिकेटर ध्यान रखना है। फिनोक्लीन ध्यान रखना है, मिथाइल ऑरेंज ध्यान रखना है, मिथाइल रेड। लिटमस बहुत जनरल टाइप का इंडिकेटर है, अपने काम का नहीं है।